देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है जिस तरह हमारी हुकूमत ने और खासतौर जाम साहब ने ये वादा किया था कि हम बलूचिस्तान में तालीम और सेहत को फोकियत देंगे और उस पर जो है काम करेंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक बार मैं पहली मरतबा पंचगूर आया हूँ, थुरबत इससे पहले भी आ चुका हूँ जाम साहब के साथ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आकर मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस देखा है, यहाँ पे खसन इनकी जो दिलचस्पियाँ है और खसन तकरीबन 300 से 400 के स्टूडेंट्स अभी से यहाँ पर जो है मतलब हिस्सा लिया गया है, तो ये इस चीज़ का इजहार कर मुजाहरा है कि ये लोग तालीम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो बलूचिस्तान तालीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो कौमें तालीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो आगे जाएगा, वो तरक्की भी कर सकेगा और सब कुछ करेगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मीर असद बलूर साहब को और खासतौर जाम साहब को भी कि वो मज़ीद इस पर तवज्जो दें। पूरे बलूचिस्तान में जो है जिस तरह से रोड सड़कों की जाल बिछाई जा रही है, इसी तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की जाल भी बिछाई जाए। जी, आपने देखा कि जैसे ही हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट आई तो हमारा यही, हमने जो इंतखाबी वायदे किए थे कि बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का जाल बिछाना है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी थी एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से आप देख रहे हैं कि पंजगूर जैसे दूर अफ्तादा इलाके में यूनिवर्सिटी कैंपस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे यहाँ आकर खुशी हुई है कि जैसे ही हमने ये कैंपस कायम किया है तो हमारे 400 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आए हैं और वो एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और यही हमारा मुस्तकबिल है, यही आगे चलकर हमारा बलूचिस्तान का एक रोशन चेहरा बनेंगे। और जिस अंदाज़ से आपने देखा यहाँ, जिस तरह जिस अंदाज़ से रोड बने, यहाँ जिस अंदाज़ से हॉस्पिटल्स बने, या अभी हम तुरबत से आ रहे हैं, तुरबत में फेज 2 का जो है ना काम चल रहा है और यकीनन मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो इस दौर जो हमारी हुकूमत में जो मेगा प्रोजेक्ट ये जब पूरे कम्प्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरक्याती हवाले से एक इनकलाब आ जाएगा और लोगों को महसूस होगा कि बलूचिस्तान भी दीगर सूबों से पीछे नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान दीगर सूबों से आगे जाए।